और अब देखिए सास बहू और साजिश की एक बहुत ही खास, बहुत ही मजेदार और बहुत ही स्पेशल स्टोरी। इलायची की शरारती खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, और ये शरारती खत्म भी कैसे हो भला, जब इलायची के जीजा जी किसी और के साथ घूम रहे हैं। ये बात इलायची को कैसे पच सकती है भला। अब देखे ना, जीजा जी सरगम को चांदनी चौक घुमा रहे हैं। सरगम को घुमाते घुमाते जीजा जी ले आए हैं इस हनुमान मंदिर में, और यहाँ आते ही जीजा जी और सरगम को मिली हनुमान जी के रूप में एक अनोखी भविष्यवाणी, जो कि हमारी खुराफाती इलायची ने की थी। हम देख सकते हैं कि तुम सच्चे प्रेम की तलाश में हो, और वो सच्चा प्रेम तुम्हारे आसपास नहीं है। लेकिन हनुमान जी की भविष्यवाणी बहुत अच्छी लग रही थी। कुछ हमें लग रहा था कि शायद एक बहुत इवेंटफुल आज मेरी प्रार्थना होने वाली है, बट बाद में पता चलता है कि वो इलायची है, और एज़ यूजुअल बेवकूफ़ बना रही थी, तंग कर रही थी, और गुस्से में आके मैं वहाँ से निकल गया। अब इलायची के भविष्यवाणी का खुलासा हुआ तो जीजा जी इस बात से नाराज होकर तो निकल लिए। लेकिन सरगम को इलायची ने जता ही दिया है कि जीजा जी सिर्फ इलायची के हो सकते हैं, क्योंकि इलायची और जीजा जी का प्यार सिर्फ एक दूसरे के लिए है, किसी और के लिए नहीं। वो क्या है ना, सिंपल से है, स्वीट से, क्यूट से है, और पता सबसे स्पेशल बात, ही ओनली लव्स मी, इलायची। सॉरी हनुमान जी, हनुमान जी से ही ओनली लव्स मी। हाँ, वो इतना ज़्यादा स्पून फीड कर दिया है कि अब तो मुझे डर ही लग रहा है पंचम जी से बात करने में। बट मैं जेन्युइनली चांदनी चौक घूमना चाहती थी, और ही इज़ वेरी स्वीट, ये मुझे घुमाने के लिए लाए, और वो तो मंदिर ही दिखा रहे थे, और कौन सा क्लब लेके चले गए थे यार। हमें पता नहीं, ये इलायची जी पता नहीं क्यों तंग करती रहती है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, उनको पसंद ही नहीं आया। खैर, सरगम को तो इलायची ने बहुत बार बताकर ये क्लियर कर ही दिया है कि जीजा जी सिर्फ और सिर्फ इलायची के हैं। लेकिन अब जीजा जी के मन का क्या, जो सरगम की ओर खींचा जा रहा है। कितना भारी पड़ने वाला है जीजा जी पर ये लव ट्रायंगल, ये भी देखने में बड़ा मजा आएगा। नेहा शर्मा, एबीपी न्यूज, मुंबई। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।